वेलकम एवरीवन, दिस इज़ लामिया एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अगर तो आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, सो प्लीज़ गाइज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक यू कैन फॉलो मी ऑनलाइन। ओके जी गाइज, तो अभी हूँ बेसिकली मैं अपनी बैल्कनी में और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो अभी आज यहाँ पर दुबई में बेसिकली मैं आज दुबई थी मैं, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा प्लान है कहीं काफ़ी जगह जाने का। और फिलहाल जो है हम स्टार्ट करेंगे ब्रेकफास्ट से। सो मैं बेसिकली जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद मुझे जाना है बैंक फॉर सम वर्क एंड आफ्टर दैट आई आल्सो हैव टू गो टू गुरेर मॉल और कुछ चीज़ें देखनी है और क्या पता कुछ लूट मिले। ओके जी गाइज, अब हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो ब्रेकफास्ट के लिए बेसिकली जो है हमारी रेजिडेंस के बिल्कुल सामने एक ये रेस्टोरेंट है पाक दरबार। बेसिकली यहाँ पर यूएई में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, कराची दरबार और इस तरह की चीज़ें, और ये बहुत अमेजिंग है। इनका जो टेस्ट है बिल्कुल आपको अपनी कंट्री के जैसा लगता है। तो यूजली वेन एवर जब भी मुझे आना होता है बाहर, मैं खाती हूँ कुछ, तो आई प्रेफर लाइक यू नो दीज रेस्टोरेंट। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में वही हम चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं, बट यूजली जो पराठे हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं, बट इन्होंने कहा है कि इन लोगों के बिल्कुल पाकिस्तानी वाले पराठे हैं। सो लेट्स सी, जब आएंगे तो पता लगेगा कि किस तरह के हैं। सो ओवरऑल इनका वही मतलब होते हैं जो मेन्यू जो मतलब वहाँ पर होते हैं कराची में आपको नज़र आते हैं या किसी और वहाँ के शहर में। साथ में ही है मशरक बैंक जहाँ पे मुझे जाना है, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। गाइस, अब हम पहुंच गए हैं जो है अल गुरेर मॉल। बेसिकली बिल्कुल उसके हम स्टार्ट में हैं, बट जो मुझे जाना है वो बैंक जाना है। तो जो बैंक है वो बिल्कुल इसके साथ है और जो मशरक में। ओके जी गाइस, जो बैंक का है काम वो हो चुका है अब हमारा। सो नाउ हम जा रहे हैं अल गुरेर मॉल। और अल गुरेर मॉल बेसिकली मैं बहुत दफ़ा आई हूँ और मेरे रेजिडेंस से करीब भी है, तो लेट मी जस्ट शो यू अराउंड। ओके जी गाइस, सो नाउ आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस मॉल और यहाँ पे बेसिकली मेरे हस्बैंड को कुछ काम था
ही वॉन्टेड टू गेट समथिंग फॉर हिमसेल्फ, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। तो अभी जो है बेसिकली मॉर्निंग का टाइम है, लाइक टाइम जो हो रहा है वो 11 to 12 o'clock हो रहे हैं इस वक्त। तो लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, बट स्टिल यू कैन यू नो स्पॉट फैमिलीज यहाँ पर। और यूजली जो है यूएई में बहुत सारे मॉल्स हैं, तो अक्सर आप मेरी वीडियोस वगैरह भी देखते हैं तो मॉल्स में इसलिए आपका बहुत ज़्यादा जाना होता है क्योंकि हर जगह मॉल्स होते हैं। और यहाँ पर मतलब एक मॉल जो है एक अच्छा स्पॉट होता है कि अगर आप कहीं जाना चाह रहे हो यू नो मॉल चले जाओ, क्योंकि मॉल इज़ लाइक अ फुल पैकेज हियर, जहाँ पर फूड कोर्ट है, अम्यूजमेंट है, सारी चीज़ें होती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। कौन सा अच्छा लगेगा इसमें से, व्हाइट या पिंक? ओके जी गाइस, तो जो जूता है मैंने ये वाला फाइनलाइज किया है एंड इट इज़ रियली नाइस, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है। बट मुझे जो है पिंक भी पसंद आया था, बट वाइट जो है वो यू नो लाइक हर किसी के साथ आपका चल जाता है, सो इट्स रियली नाइस एंड बहुत ज़्यादा लाइक यू नो इट्स कम्फी, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस नाउ। अच्छा ओके जी गाइस, तो अब हम वापस आ गए हैं आरएनबी से एंड वैसे अभी जो है ऑलमोस्ट मैं डन हूँ और अभी मुझे जाना है किसी और काम पे। तो बेसिकली व्हेन एवर जब मैं दुबई में होती हूँ या कोई ऑफ डे होता है तो यूजली बहुत ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको करनी होती हैं, घर से रिलेटेड भी, अपने काम भी होते हैं कुछ। तो आज का जो दिन है काफ़ी ऑक्यूपाइड है जैसे मॉर्निंग से लेके अब तक अब, लेकिन ये है कि जब आप मॉर्निंग में सब चीज़ें अपनी स्टार्ट करते हो तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके सो गाइस, नाउ आई एम बैक होम और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं आते ही थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया है बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है अब यहाँ पर। तो अब जी बेसिकली आफ्टर सम टाइम लाइक रेस्टिंग के बाद नाउ आई एम हेडिंग टू मेक बिरयानी, मुझे लंच रेडी रख करना है। सो जो टाइम अभी हो गया है दैट इज़ लाइक राउंड अबाउट 2 o'clock ओवर हियर। और बेसिकली वैसे तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मुझे बिरयानी चिकन बिरयानी बनानी है, तो जो चिकन है वो मैं पहले से ला के नहीं रखती, मैं जब भी कुछ चिकन मैं बनाती हूँ तो मैं लाइक फ्रेश लाती हूँ। तो अभी मैं जस्ट नीचे जाऊंगी ग्रॉसरी में अपने लिए कुछ चीज़ें ला के, फिर मैं आके बनाऊंगी बिरयानी। ओके जी गाइस, सो ये यहाँ पर मैं नीचे आ गई हूँ, जो मेरे घर के नीचे एक ग्रॉसरी मार्ट है। सो ये बेसिकली यहाँ पर फ्रेश जैसे फ़िश सी फूड भी अवेलेबल होता है, चिकन भी अवेलेबल होती है। बट सो आज जो है मुझे चिकन बनानी है, तो जिसके लिए मैं यहाँ से चिकन का ऑर्डर मैंने दे दिया है। उसके अलावा आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट सम स्पाइसेस ऑल्सो, तो वो भी मैंने साथ में ही ले ली थी। और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट आपको हर चीज़ यहाँ पर लगती है क्योंकि यहाँ की जो रेजिडेंस होती हैं यूजली जो होती हैं उनके करीब ही चीज़ें होती हैं, तो दैट्स वाई मैं जो है चीज़ें ज़्यादा यू नो लाइक फ्रीज नहीं करती हूँ, आई लाइक टू टेक इट यू नो देन ओनली के जब मैं बना रही हूँ। ओके जी, जी यहाँ पर जो है चिकन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, ये यहाँ पर जो राइस हैं वो भी मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए हैं। सो जो चिकन बिरयानी है वो ही मैं पैकेट से देखकर बनाती हूँ और यूजुअली आई थिंक सबकी सेम रेसिपी होती है,
तो ये यहाँ पर जो बिरयानी है मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी करके रखी हुई थी पहले ही, कटिंग वगैरह, तो इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा बनाने में। और जो बिरयानी है वो जल्दी इसलिए भी बन जाती है कि जो सारे लाइक मसाले वगैरह होते हैं मैं ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि यू नो ईज़ी बन जाए और जल्दी भी बन जाए और इतना टाइम ना लगे। सो ये यहाँ पर जो बिरयानी कोरमा था इसका ऑलमोस्ट रेडी करने में मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगा एज़ ऑल द थिंग्स वर रेडी। तो ये यहाँ पे जो कोरमा रेडी करके मैंने यहाँ पर बॉइल्ड राइस ऑलरेडी रखे हुए थे। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिरयानी और इसी में ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर जब भी मैं बेसिकली जो लास्ट ये जो तय लगाती हूँ उसमें मैं कोरिएंडर ऐड करती हूँ, लेमन जूस थोड़ा सा ऐड करती हूँ एंड ऑफ कोर्स साथ में जो ज़रदा रंग है वो तो लाजमी ऐड करना होता है। सो मैं ये दो से तीन चीज़ें लाइक हमेशा ऐड करती हूँ, कुछ लोगों का डिफरेंट वे होता है। सो जी यहाँ पर जो थी बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी थी एंड आई थिंक बिरयानी इज़ विल बी ऑलवेज़ द मोस्ट यू नो लव्ड आइटम, फूड आइटम इन एनी हाउस। तो यहाँ पर बिरयानी रेडी करने के बाद बेसिकली मेरे ऑफ डे पे जब भी मुझे कुछ टाइम मिलता है तो आई ऑलवेज़ यू नो गिव सम टाइम टू क्रिएट इन लाइक काइंड ऑफ अ कंटेंट। अगर मेरे माइंड में कोई टॉपिक होते हैं तो मैं उनके ऊपर ज़रूर वर्किंग करती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे इतना ज़्यादा हमेशा टाइम नहीं मिलता यू नो टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ एज़ वेल। तो यहाँ पर यूजली जिस दिन मेरा ऑफ डे होता है तो मैं लाजमी कुछ लाइक हाफ एन आवर या वन आवर ज़रूर निकालती हूँ लाइक जस्ट टू सिट एंड टू थिंक कि मैं मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी है या और भी जो चीज़ें मेरे माइंड में चल रही होती हैं। ओके जी, सो ये यहाँ पर हो चुकी है रात बिल्कुल और आज का जो तो पूरा दिन था वो मेरा बिल्कुल हमेशा ऐसे तो नहीं गुजरता दिन बट इट वॉज़ जस्ट अ ग्लिप्स हिम कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँ दैट वॉट आई यूजली डू ऑन माई ऑफ डे। सो इफ़ यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो सो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड मैं आपसे मिलती हूँ इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू।